हेलो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू स्टोरी एक कमरे के मकान में रहता था पूरा परिवार वही बना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ। यस यू आर राइट टुडे आई एम विद अ स्टोरी ऑफ सुंदर पिचाई लाइफ सक्सेस स्टोरी सुंदर पिचाई वाज बोर्न एय टेन नाइनटीन सेवेंटी टू ही इज़ बेटर नोन एज सुंदर पिचाई सुंदर सुंदराजन ही इज़ एन इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन एंड CEO। He ही सेड सुंदर पिचाई सेड इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड हार्ट डू समथिंग डेट एक्साइट्स यू अपने सपनों और दिल का पागलपन करना महत्वपूर्ण है कुछ ऐसा करो जो आपको उत्साहित करे एज ए लीडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट सी योर ओन सक्सेस बट फोकस ऑन द सक्सेस ऑफ अदर्स एक नेता के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप न केवल अपनी सफलता देखें बल्कि दूसरों की सफलता पर ध्यान दें सुंदर पिचाई ही सेज अ पर्सन हु इज हैप्पी इज नॉट बिकॉज एवरी थिंग इज राइट इन इज लाइफ ही इज हैप्पी बिकॉज ऑफ़ हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरी थिंग इन हिज लाइफ इज़ राइट एक व्यक्ति जो खुश है वह इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ सही है वह खुश है क्योंकि उसके जीवन में हर चीज़ के प्रति उसका दृष्टिकोण सही है येस यू आर राइट टूडे वी आर हेयर विद अ न्यू सक्सेस मिलेनियर स्टोरी एंड हिज गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ सुंदर पिचाए आज हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई की जिन्होंने मधुरे तमिलनाडु की गलियों से निकलकर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ बनने का सफ़र तय किया हम भारतीयों के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं होगी कि एक भारतीय व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ के रूप में चुना गया हो आखिर कुछ तो बात है हम भारतवासियों में जिससे कि दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनियां हमारी इतनी दीवानी हैं। सुंदर पिचाई उन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचने हर किसी के बात की बस की बात तो नहीं थी लेकिन सच्ची लगन से कुछ कर जाने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है सुंदर पिचाई का वास्तविक नाम पिचाई सुंदर राजन है उनका जन्म 10 जून उन्नीस को चेन्नई के पास मदुरे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था उनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और माता का नाम लक्ष्मी है सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और उन्हीं से सुंदर को तकनीक से जुड़ने की प्रेरणा मिली जब सुंदर पिचाई 12 साल के थे तब उनके पिता घर में एक लैंडलाइन फोन लाए आज जो दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी के शीर्ष स्थान पर कार्यरत हैं उनके जीवन में यह पहला तकनीक से कोई वस्तु था सुंदर पिचाई में एक विशेष गुण था वह अपने टेलीफोन में डायल किए गए नंबरों को आसानी से याद कर लिया करते थे और आज उनसे वह नंबर पूछे जाने पर उनको वह नंबर याद रहते हैं दरअसल सिर्फ फ़ोन नंबर ही नहीं उन्हें हर प्रकार के नंबर आसानी से याद रह जाते थे पढ़ाई में तो वह अच्छे थे ही साथ ही साथ वह क्रिकेट प्रेमी भी थे और अपने स्कूल की क्रिकेट टीम की कप्तानी भी करते थे सुंदर पिचाई जवाहर विद्यालय में अपनी दसवीं की पढ़ाई पूरी की और चेन्नई के बालावाड़ी स्कूल में बारहवीं की परीक्षा और फिर आईआईटी आई खड़गपुर से बीटेक टेक में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की आखिरकार मेहनत रंग लाई और सुंदर पिचाई ने हर जगह टॉप किया और आईआईटी में उन्हें रजत पदक से भी सम्मानित किया था छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टेट फोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया और भौतिक विज्ञान में मास्टर इन साइंस एम एस की डिग्री पूरी की तरह आखिर में वह एमबीए की पढ़ाई के लिए वॉस्टन हा, हावर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिलेवा चले गए गूगल से जुड़ने से पहले सुंदर पिचाई मैंकेशी और कंपनी अप्लाइड मटेरियल में अपना योगदान दिया पिचाई 2004 में पहली बार गूगल से जुड़े शुरू शुरू में उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ गूगल सर्च बार पर काम किया गूगल में काम करते समय सुंदर पिचाई कि मन में एक नया आइडिया आया था वह आइडिया था खुद का इंटरनेट ब्राउज़र बनाने का उस समय के गूगल के सीईओ से पिचाई ने ख़ुद के इंटरनेट ब्राउज़र बनाने की बात कही तो बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट कहकर उन्होंने मना कर दिया लेकिन पिचाई ने हार नहीं मानी और गूगल के अन्य पार्टनर से बात करके उनको मना लिया और 2008 में सुंदर पिचाई की मदद से गूगल ने खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम क्रोम गूगल क्रोम दिया गया आज के समय में गूगल क्रोम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ब्राउज़र है यही गूगल कंपनी में सुंदर पिचाई का टर्निंग पॉइंट था उनकी लगन को देखते हुए उन्हें हर प्रोडक्ट के शीर्ष स्थान प्राप्त होते गए और देखते ही देखते पिचाई सीईओ की दौड़ में भी शामिल हो गए गूगल के सी बनने से पहले उनके पास माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर कंपनी का भी ऑफर आया लेकिन उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए गूगल ने उनको बोनस के रूप में बहुत सारे पैसे देकर उनको रोक लिया गया आखिरकार 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का सीईओ बना दिया गया इतनी बड़ी सफलता के पीछे सुंदर पिचाई के सरल स्वभाव का भी बहुत बड़ा हाथ है और उनकी सरल स्वभाव की वजह से उन्हें हर कोई बहुत मानता था ऊंचाइयों को छूने के बाद अक्सर लोगों में एक अलग एटीट्यूड आ जाता है जो कि स्वाभाविक भी होता है एक सरल ज़िंदगी से उठकर जब व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुँचता है तो कुछ बदलाव आ जाते हैं लेकिन सुंदर पिचाई एक उदाहरण है उनके इसके लिए कि उन्होंने अपने सरल स्वभाव आपको बनाए रखा चाहे वे तमिलनाडु की गलियों में जब पढ़ते थे तब अथवा जब वर्षों तक अपने उन्हों के गूगल के कार्य करने के बाद जो उच्च स्तर की जिंदगी को जीना शुरू किया तब उनका सरल स्वभाव भी उनकी उस पहचान में चार चांद लगाता है जो कड़ी मेहनत के बाद मिली जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का फिर फिजूल है कद आसमान का सुंदर पिछाई कि नए दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है जीवन में जो अगर दृढ़ निश्चय एवं लग्न से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया आज हर कोई जब इस नाम को सुनता है तो उदाहरण बतौर बताता है कि किस प्रकार मेहनत के दम पे एक साधारण व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीईओ बना बैठा है तो ये हैं हमारे सुंदर पिचाई जिनकी जीवन की स्टोरी जो कि एक कमरे के मकान में रहते थे जब पूरा परिवार वही बने हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीईओ के मालिक सुंदर पिचाई ही सेज ए परसन हुई इज हैप्पी इज नॉट बिकॉज एवरी थिंग इज राइट इन हिज लाइफ ही इज बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरी थिंग इन हिज लाइफ एक व्यक्ति जो खुश है वह इसलिए नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ सही है वह खुश है क्योंकि उसके जीवन में हर चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण सही है एज अ लीडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू सी जट सी योर ओन सक्सेस बट फोकस ऑन दक्सेस ऑफ अदर्स एक नेता के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप न केवल अपनी सफलता देखें बल्कि दूसरों की सफलता पर ध्यान दें सो so, हम बहुत कुछ उनके जीवन से सीख सकते हैं डेट इट्स इट्स डज नॉट मैटर फ्रॉम विच सिटी आर वी इफ वी आर हार्ड वर्किंगस विल फॉर श्योर नॉक ऑन द डोर ऑफ आवर होम्स इन इज चाइल्ड हुड सुंदर यूज टू लिव इन टू रूम्स ऑफ अपार्टमेंट एंड नाउ ही लिव्स इन अ हाउस डेट इज़ वर्थ मोर देन एट मिलियन डॉलर्स एंड हिज सैलरी इज टू हंड्रेड मिलियन डॉलर्स तो इस तरीके से इस महापुरुष से इस इंसान से सुंदर पिछाई से वी कैन लर्न लॉड्स ऑफ थिंग कॉन्सटेंटली री इन्वेंट योर सेल्फ कॉन्सटेंटली थिंक अबाउट वॉट टू डू द नेक्स्ट बी एम्बिशियस डू थिंग्स विच यू आर एक्साइटेड फॉलो योर ड्रीम्स स्टार्ट लोकल एंड गोल Global, take risks and keep trying. Work with people from all kinds of background. I hope you all enjoy this story. You all like this story, and I hope the rules, the golden rules of his life, make us more ambitious, make us more keep trying in our nature, make us to follow our dreams, to invent, reinvent ourselves. I hope you like this story. You enjoyed the story. And I recite this story by my research. Uh, maybe that is not hundred percent correct, and I hope I you learned from this story. and I am thankful to you for giving me time. Thank you so much.